अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी ही है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। ये पंक्तियाँ थी राहत इंदौरी साहब की, मगर आज के दिन दिल्ली और देश भर में होती घटनाओं के बाद इन पंक्तियों को फिर से याद किया जा रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है, जहाँ रहने वाला हर शख्स खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करता है। यहाँ पर सभी राज्यों और सभी देशों से लोग आते जाते रहते हैं। रिक्शा, ऑटो चालक और मजदूरी करने वाले लोगों से लेकर बड़े पदों पर नौकरी करने वाले सरकारी और गैर सरकारी लोग और उनका परिवार यहाँ रहता है। दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। दिल्ली में जब कोई अप्रिय घटना घटती है, तब तब ये सवाल उठता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले लोग कौन हैं? और जिस तरह से दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में जो सांप्रदायिकवादी ताकतों ने, जो उपद्रवियों ने हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली जाने वाली शांतिपूर्ण ढंग से उस शोभा यात्रा के ऊपर जो पथराव किया, वो मात्र एक संयोग नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश की भारतीय जनता पार्टी बहुत निंदा करती है। जो भी इसमें दोषी है, जिन्होंने दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जहांगीरपुरी इलाके में पथराव किया शोभा यात्रा पर, उनको सजा मिलनी चाहिए और दिल्ली पुलिस उस काम को जरूर करेगी। और मैं स्वयं भी माननीय गृहमंत्री जी से भी बात करूंगा। लेकिन सवाल उठता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार जिस तरह से आए दिन दिल्ली के उन इलाकों में अनुथराइज कॉलोनी के अंदर, जहांगीरपुरी हो या जमुना पार हो या दिल्ली के ऐसे इलाके जहां पर बहुत कंजेस्टेड आबादी है, वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बड़ी संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं और दिल्ली सरकार उनको बिजली के कनेक्शन, पानी मुहैया करा रही है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की भी ये जवाबदारी है कि उन लोगों को, ऐसे सांप्रदायिक उपद्रवियों को वो संरक्षण क्यों दे रहे हैं। और ये जब ऐसी घटनाएं होती है तो ऐसे लोगों के संरक्षण के नाम किसका आता है? आम आदमी पार्टी का आता है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए, उस दंगों का मास्टरमाइंड कौन था? वो आम आदमी पार्टी का नेता ताहिर हुसैन था, अहमदुल्ला का थे। और इस तरह से ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी बहुत निंदा करती है। और मैं सभी दिल्ली वासियों से, जहांगीरपुरी के निवासियों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। और इसके साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक कार्यकर्ताओं का डेलीगेशन वहां जाएगा और परिस्थितियों की वहां की जांच करेगा और दिल्ली पुलिस उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दे, इसकी भी मांग करता हूं। दिल्ली में अब तक हुए अधिकांश अपराधों के खुलासे के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है, वो वाकई चौंकाने वाली है। अगर बात करें नशीले पदार्थों की तस्करी की, तो ऐसे अपराधों को अंजाम देने वाले ज्यादातर अफ्रीकन देशों के नागरिक हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में चोरी, मर्डर और हिंसात्मक अपराधों के पीछे ज्यादातर हाथ बांग्लादेशी घुसपैठियों का देखा गया है। जैसे दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। जहांगीरपुरी इलाके में 12 ब्लॉक हैं, छोटी छोटी गलियों में, सक्रिय मकानों में लाखों लोग रहते हैं। उत्तर पश्चिमी जिले में स्थित इस इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेश के मुस्लिम रहते हैं। ये इलाका आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, साथ ही नशे के लिए भी ये क्षेत्र काफी बदनाम रहा है। प्रमुख रूप से इलाके के सी ब्लॉक, एच ब्लॉक, जी ब्लॉक में बांग्लादेश के मुसलमानों की संख्या अधिक है। यहाँ पर न तो कोई जांच पड़ताल होती है और न ही इन्हें किराए पर रखने वाले पुलिस सत्यापन आदि कराते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर 1 लाख से अधिक बांग्लादेशी मुस्लिम रहते हैं। यहाँ चोरी के सामान की खरीद फरोख्त का अड्डा भी है। यहाँ पर नाबालिग भी कई संगीन आपराधिक वारदात को अंजाम दे चुके हैं। अवैध तरीके से देश में दाखिल हुए बांग्लादेश के लोगों को आसानी से रहने के लिए मकान मिल जाता है। इन सब के अलावा आते हैं रोहिंग्या, शरणार्थी। अब सवाल आपके जहन में घूम रहा होगा कि ये लोग हैं कौन और आते कहां से हैं, किधर बसाए गए हैं, भारत को उनसे क्या समस्या है, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए या फिर ये किसी साजिश के तहत भारत में बसाए जा रहे हैं।
ऐसे तमाम सवाल रोहिंग्या शरणार्थियों के नाम सुनते ही हमारे जहन में आ जाते हैं। अब जैसे ही 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों के लिए उनके देश म्यांमार वापस भेजने की बात सरकार की ओर से उठाई गई, तो प्रदर्शनकारियों, मानवतावादी सेकुलर लोगों का समूह आंखों में आंसू भरकर सरकार को मानवता का पाठ पढ़ाने आ गया। दरअसल ये लोग पिछले 5-7 साल से देश में भारत में अवैध रूप से घुसे हैं और देश के विभिन्न इलाकों में रह रहे हैं, और जब जब देश में ऐसी अप्रिय घटनाएं घटती हैं तो इन लोगों को देश से निकालने की बात रखी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।